नमस्कार, आज आपके YouTube वीडियो चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। इसे पिछले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के थियोरेटिकल पोर्शन को देखा था। ये चैप्टर मैंने क्लास 9th NCERT में से उठाया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी वॉज फाउंड बाय, जी की वैल्यू किसने ढूंढी थी? आइजक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, केपलर ये लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया था इसने, और जो हेनरी कैवेंडिश है इसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट वन, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट निकालनी है। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है वो है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। हम सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो हम पाएंगे एफ डी स्क्वायर ओवर एम एम। इसके अंदर आप जो एसआई यूनिट है वैल्यू रख दीजिए फोर्स की, ये न्यूटन है, डी जो डिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मास की यूनिट केजी है तो 2 kg into kg। अब आप इसके अंदर न्यूटन का जो एसआई यूनिट है वो रख दीजिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बाकी वैल्यूज है वो इस तरह से आपके पास मिलेंगी, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास आएगी केजी माइनस 1, मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर माइनस 2। तो इसका जो सही आंसर है वह इस ए। नेक्स्ट वन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकम्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। हमें यह फोर्स निकालनी है जब डिस्टेंस हाफ रह जाए। इसके लिए हम ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू रखेंगे जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। मान लीजिए फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में जब इसकी वैल्यू हाफ रह जाती है डी की, तब हम ये वैल्यूज पुट अप करते हैं तो डी अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसके अंदर आप रख दीजिए जी एम एम डी स्क्वायर अपॉन 4, या फिर हम यूँ कह सकते हैं 4 जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है दैट इज इक्वल टू एफ वन, तो हमारे पास जो एफ टू आएगा यानी कि जो फोर्स आएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट बिकॉज। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो है एफ जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ कैपिटल डी है ये अर्थ के मास को डिनोट करता है, मास ऑफ अर्थ। अब जो हमारे पास एफ की वैल्यू एम जी रखने पर हमारे पास कुछ इस तरह फॉर्म मिलेगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बॉडी जो ऑब्जेक्ट जो गिर रही है उस पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट, जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई ये जो बोथ बॉडीज हैं या जो हैवियर बॉडी है और लाइटर बॉडी है दोनों सेम टाइम के ऊपर अर्थ के ऊपर गिरेगी। तो इसका जो सही आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ए आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁴ kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁶ m। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फार्मूला है वह है एफ जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, जो जी की वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब जो मास ऑफ द अर्थ है वह है 6 × 10⁴। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए, इट इज केप्ट ऑन द सरफेस, सो जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर d की जगह 6.4 × 10⁶ रख देते हैं, ये होल स्क्वायर में है। हम इसको सॉल्व करते हैं 6.4 × 6.4 × 10⁻¹⁻ − 11 × 10⁻¹⁴ अपॉन ये पावर्स इस तरह से आपके पास आ जाएगी 12। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा
97 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको आंसर मिलेगा बी। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशन फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। अब हमारे पास जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां डी क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मून। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर जो अर्थ जो मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है वही फोर्स मून अर्थ के ऊपर लगा रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जितना मून अर्थ को पुल कर रहा है उतना ही अर्थ भी क्या है मून को पुल कर रही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज सी। नेक्स्ट वन, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, मास। अब किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसके एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी। जो मून है उसका मास अर्थ के मुकाबले क्या है, काफी कम है। दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ मून इज मोर। तो इसलिए मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ नजर आता है ना कि उल्टा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एज द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास सो द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स मून इज नेग्लिजिबल। डी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो सबसे पहले फोर्स देख लेते हैं, हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला है, दैट इज जी एम वन एम टू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, हम एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम में इसको हम 2m2 लिख देते हैं डबल करके। तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगा मान लेते हैं वह कितना आ गया, F2 आ गया। तो हम इसके अंदर बाकी टर्म्स की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 2F1। तो यानी कि जो फोर्स होगी वो कैसी हो जाएगी, फोर्स इज डबल्ड। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड। नाउ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो नाउ हम पहली फोर्स को ये मान लेते हैं, जब हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर देते हैं तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगी वो आ जाएगी F1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 3d होल स्क्वायर। नाउ अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड को जब आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मिलेगा F1 अपॉन F, तो आपके पास यहाँ आएगा d स्क्वायर अपॉन 3d होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, d स्क्वायर 9d स्क्वायर, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि जब फोर्स बिकम्स 1/9 टाइम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब जो फोर्स है हमारे पास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो यदि हमारे पास जो न्यू फोर्स है इनके मास डबल करने पर तो क्या मिलेगा हमें, 2m1 मल्टीप्लाइड बाई 2m2। अब यदि हम F1 को F से डिवाइड करते हैं जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, 2m1 2m2 अपॉन m1 m2, यहाँ पर m2 m2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, m1 m1 कैंसिल आउट, आंसर आएगा आपके पास 4। तो यानी कि जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, फोर्स विल बी क्वाड्रपल्ड, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के कारण गिरती है, या यूं कहिए कि जब एक बॉडी को ड्रॉप कराया जाता है उस केस में हम क्या कहेंगे, उसको फ्री फॉल कहेंगे। तो फ्री फॉल के टाइम एक्सेलरेशन कितना लगेगा, दैट इज जी, और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, What do we call the gravitational force between the Earth and an object? अपने वेट का जो फार्मूला था
उसमें देखा था वेट इज इक्वल टू एम जी, और यही क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों, वेट की डेफिनेशन क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा बी वेट। नेक्स्ट वन, अमित बाइज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर, विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट और व्हाई। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उस गोल्ड का वेट सेम रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम थोड़ा सा अर्थ की शेप है वो बिल्कुल सर्कुलर ना होके क्या है इक्वेटर के ऊपर थोड़ी बल्ज है बाहर की तरफ निकली हुई है, यानी कि जो रेडियस ऑफ पोल है दैट इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है या जो वेट है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन जी, और फर्दर ये किस पर डिपेंड करेगा, इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और यू कैन से द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो हमारे पास जो वेट है वो किस पर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है रेडियस। तो अर्थ का रेडियस इक्वेटर ज़्यादा है इस वजह से वहाँ पर वेट कैसा होगा, कम होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो आएगा आंसर बी नो एज ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस। नेक्स्ट वन, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। अब जब हम एक शीट ऑफ पेपर को ड्रॉप कराते हैं और या एक क्रम्पल्ड पेपर है उसको ड्रॉप कराते हैं तो हम पाएंगे कि जो शीट है इसके नीचे एयर रेजिस्टेंस लगता है जिसके कारण ये फ्लोट करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, जबकि जो क्रम्पल्ड बॉल है इसकी शेप के कारण इसका जो नीचे का सरफेस एरिया है वो कम होगा, जिसके कारण इस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कैसा है, कम लगेगा, इसलिए ये क्रम्पल्ड बॉल जल्दी नीचे आ जाएगी। तो एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर अ क्रम्पल्ड बॉल, सही आंसर ए। नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 केजी ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन द अर्थ। तो हमारे पास जो वेट का जो फार्मूला है वो है W इक्वल टू एम जी। अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 10 केजी है, और अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 9.8 है, इसलिए अर्थ के ऊपर इस बॉडी का जो वेट आएगा वो आएगा 98 न्यूटन। अब जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इट इज 1/6, दैट्स वाई तो जो मून के ऊपर वेट है वो आ जाएगा अर्थ के वेट का 1/6, तो 98/6, इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 16.34 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अवार्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यहाँ पर माइनस जी होगी। क्यों, क्योंकि ये द वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपके पास आ जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एट द हाइट द वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, तो अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, इसके अंदर जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास मिलेगा 0 - 49² = 2 - 9.8 × s, जहां पर s क्या है, हाइट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी 2 × -9.8, माइनस से माइनस कट गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 122.5 मीटर, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अवार्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है 49
मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से, अब ये वापस अर्थ के ऊपर रिटर्न आने में कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वह है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास 49, फाइनल वेलोसिटी हाइट के ऊपर कितना हो जाएगा दैट इज जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पर -9.8 होगी। माइनस का सिंबल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बॉल को क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। और हमें यहाँ पर टाइम निकालना है तो हमारे पास जो इसको जब इस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 5। तो यानी कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड लगे हैं और इसी तरह से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड। तो टोटल हो गया 5 + 5 = 10। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज। तो हमारे पास किसी टावर से जिसकी हाइट कितनी है 19.6 है, यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो जब ड्रॉप करते हैं किसी चीज़ को तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये कितना है 9.8। तो अब हमारे पास फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² - gh, जब u को हम जीरो रखते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट में 2gh। आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए 2 9.8 × 19.6 तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जिससे हम थ्रो कर रहे हैं बॉल को, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर g कितना है हमारे पास, यहाँ पर हमें -10 लेना है क्योंकि हम बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है जीरो हो जाती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना है v² - u² - 2gh, इसमें आप सभी वैल्यूज रख दीजिए 0 - 40² = 2 × -10 × h। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी 2 × 10 h और h की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 80 मीटर। अब व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, जब ऊपर फेंकने के बाद ये स्टोन जब नीचे आ जाता है तो उस टाइम जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसा है सेम है, इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट विल बी जीरो। और टोटल डिस्टेंस ऊपर 80 मीटर लगा है जाने में और वापस आने में 80 मीटर लगा है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 160 मीटर। तो इसका सही आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁴ kg एंड द सन इक्वल टू 2 × 10⁴ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 × 10⁻¹¹. तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल फोर्स का जो फार्मूला रखना है एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹. मास ऑफ अर्थ कितना है 2 × 10⁻³० kg, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻²⁴ kg अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 1.5 × 10⁻¹¹ का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.557 × 10⁻²⁰. नेक्स्ट, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द स्टोन विल
मीट। एक टावर जो 100 मीटर हाई है, वहां से एक स्टोन को ड्रॉप कराया जाता है और उसी टाइम में ग्राउंड से एक स्टोन ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका जाता है। मान लेते हैं दोनों एच हाइट पर मीट कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास जो टॉप ऑफ द टावर से मीटिंग पॉइंट की हाइट कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एच हो जाएगी। अब ड्रॉपिंग के टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है स्टोन की, फर्स्ट स्टोन की, वो कितनी है, यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें आपके पास दो सिनेरियो है, एक जब एक स्टोन को ड्रॉप कराया जाता है, उस केस में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला रखेंगे। सेकंड इक्वेशन तुम्हारे पास कितना है फार्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो टी टाइम के बाद में इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है, 100 माइनस एच। यू आपके पास कितना है ड्रॉप के टाइम में, जीरो है, तो आपके पास मिलेगा हाफ जी टी स्क्वेयर। सेकेंड केस में हमारे पास जब सेकेंड केस में हम एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ यू, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हम यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच, यू कितना है 25, टी हमें मेजर करना है माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये माइनस क्यों यूज किया है हमने, माइनस इसलिए यूज किया है क्योंकि हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। इस एच की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करने पर आपके पास मिलेगा 100 माइनस 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। और यहां से आपको मिलेगा 100 माइनस 25 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। यहाँ जी टी स्क्वेयर से जी टी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया और आपके पास इसको सॉल्व करने पर टी की वैल्यू मिलेगी 100 अपॉन 25, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स मीट। अब इसके लिए आसान सा है, आप इस सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर आप इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर दीजिए टाइम की, तो आपके पास क्या मिलेगा, एच इक्वल टू 25 इंटू 4 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4, तो 100 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 और आपके पास 9.8 इंटू 4 इंटू टी आपके पास आ जाएगा 78.4 और माइनस करने पर आपको मिलेगा 21.6 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर है बी। नेक्स्ट, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है और ये वापस रिटर्न आकर इसमें लगने वाला टाइम कितना है, 6 सेकंड है। तो इनकी ऊपर थ्रो के लिए कितना है 3 और नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड्स लगेगा। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी हाइट के ऊपर होगी वे कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास जो हम इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ वैल्यू रखिए आप जीरो इक्वल टू यू, हमें जो फाइंड आउट करना है a हमारे पास माइनस जी हो जाएगा यानी कि 9.8 और टी हमारे पास कितना है 4। तो इसके पास हमारे पास जो आंसर आएगा इनिशियल वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, अब मैक्सिमम हाइट कितनी है, हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वो कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, वी कितना हो जाएगा जीरो फाइनल हाइट पर, U कितना है हमारे पास अभी निकाला था 29.4 इंटू 29.4, 2 का आपके पास 2, A की जगह आप रखेंगे माइनस 9.8 और S हमें फाइंड आउट करना है यानी कि H हम कह सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो
तो आपके पास मिलेगा कुछ इस तरह से 29.4 upon 2 into 9.8। इसके आप सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर। अब इसके बाद इसकी जो पोजीशन है आफ्टर 4 सेकंड, देखिए यहाँ से जो बॉडी 3 सेकंड ऊपर गई फिर वापस 1 सेकंड के लिए नीचे आएगी, तो हमें ये हाइट निकालनी है इसकी पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसके अंदर सिंपल आप क्या करिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप इसको पुटअप कर दीजिए वैल्यूज। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, एच रख लेते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 29.4, टाइम हमारे पास कितना है 4 सेकंड्स, ए की जगह हम माइनस जी रखेंगे तो इसलिए माइनस हाफ जी टी, यानी कि जी कितना आ जाएगा 9.8। टी स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4.9, और इसको जब सॉल्व करेंगे 78.4 और आंसर आ जाएगा 39.2। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट। बॉयंट फोर्स हम जानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड या फ्लूइड में इमर्ज किया जाता है तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ये अपवर्ड फोर्स क्या है, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए, अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। हम किसी कंटेनर के अंदर एक प्लास्टिक की बॉल या ऑब्जेक्ट लेते हैं और जब हम इसको अंडर वाटर में हमने इसको रख रखा है तो जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो ये प्लास्टिक की बॉल ऊपर आ जाती है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बॉइंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और जो बॉल का वेट है प्लास्टिक बॉल का वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। यदि बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन फोर्स से तो ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आएगा ए, द बॉइंट फोर्स इज मोर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट, the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube if the density of water is 1 gram per centimeter cube will the substance float or sink। sabse pehle hum jo aapki object hai iski hum density found out kar lete hain। density ka formula hai hamare paas mass upon volume, to ye aapke paas aa jayega 50 gram upon 20 aur isko solve karne par aapke paas answer aayega 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, तो इस वजह से ये बॉल पानी के अंदर डूब जाएगी। तो याद रखिए द सब्सटेंस विल सिंक। नेक्स्ट वन, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो डेंसिटी आएगी वो कितनी है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 500 अपॉन 350 और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगी और जब डूबेगी तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर ये वाटर को डिस्प्लेस करेगी। तो ये वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, वाटर कितना होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम है तो इसलिए फार्मूला आ जाएगा डिस्प्लेस वाटर का, वो आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं 350 into 1, तो आपके पास आंसर 350 आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर है द पैकेट विल बी सिंक एंड द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज 350 ग्राम। नेक्स्ट, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻²⁰ kg। If the distance between Earth and Moon is 3.84 × 10⁵ kilometer, calculate the force
एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ये हम कई बार पहले भी देख चुके हैं। हमारे पास F का जो फार्मूला है ग्रेविटेशन फोर्स का, वो कितना है, जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। यहाँ पर जो डी है वो कितना है, दैट इज 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर। इसको हम ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर। अब आप इस सभी वैल्यूज को इसके अंदर इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, लेट जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड एंड हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसके अंदर आप सभी वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ड्रॉप के लिए, जीरो रहेगी। बाकी में आप फार्मूला रखिए, v इज इक्वल टू जीरो प्लस a कितना है, यहाँ पर 10 लेना है आपको और यहाँ पर टाइम है 0.5, तो आंसर आएगा आपके पास आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, तो 0 प्लस 5 अपॉन 2 और आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो अब हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप रख दीजिए फार्मूला, तो आपके पास आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने u इक्वल टू जीरो है, इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1.25 मीटर। इसका जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट वन, If the gravitational acceleration of Earth suddenly becomes zero, then the moon will. हम जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण चक्कर लगा रहा है। यदि किसी पॉइंट पर F इक्वल टू जीरो हो जाए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया से जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, यानी कि The moon will move along a straight line. तो इसका आंसर आएगा B. Next, according to Kepler's second law of planetary motion, second law of planetary motion क्या है? The aerial velocity of any planet is constant. Aerial velocity क्या है? The area swept by the line joining the two bodies per unit time. वो क्या है? Constant है. तो आंसर आएगा आपके पास dA upon dt equal to कॉन्स्टेंट सी, जहाँ पर डी ए क्या है चेंज इन द एरिया और डी टी क्या है चेंज इन टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इसके नेक्स्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।